नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता। आज आप सभी के बीच 6 अगस्त 2020 की करंट अफेयर्स में भी तमाम प्रकार के करंट अफेयर्स से संबंधित तथ्य लाई हूँ, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड वे तमाम क्वेश्चन जो कि आज आपको जानना बेहद ज़रूरी है। पहला क्वेश्चन है, कौन सा देश लेबनान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? कौन सा देश लेबनान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों, सीरिया और इजराइल। और इसी के साथ भूमध्य सागर की सीमा भी लेबनान के साथ लगती है। ठीक है, तो अवश्य ही इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अभी हाल में अर्थात 4 अगस्त को लेबनान की राजधानी बेरूत में भीषण विस्फोट की घटना हुई, जिसमें व्यापक जनधन की हानि हुई। यह विस्फोट लेबनान की राजधानी बेरूत शहर के बंदरगाह क्षेत्र में हुआ, और कारण के रूप में ये बताया जा रहा है कि विस्फोट का कारण गोदामों में रखे जो विस्फोटक पदार्थ हैं वह हैं। ठीक है, तो आप अवश्य ही इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या क्या आपको ध्यान रखना है? पहला चीज़, लेबनान की क्या अवस्थिति है, भौगोलिक अवस्थिति। ठीक है, हाल में कहाँ विस्फोट हुआ? तो लेबनान के शहर राजधानी बेरूत में हुआ। दूसरा आप ध्यान में रखेंगे, लेबनान की राजधानी क्या है? तो उत्तर हो जाएगा बेरूत। ठीक है, और यह एक बंदरगाह शहर भी है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और चौथा और सबसे मोस्ट, कि किन किन देशों की सीमा लेबनान से लगती है? दो देशों की सीमा लगती है, सीरिया इजराइल और एक भूमध्य सागर की। ठीक, तो ये रहा आज का पहला करेंट अफेयर्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा थेन चांद गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन हाल ही में किया गया। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा थेन चांद गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन हाल में किया गया। यह किस राज्य में है? तो उत्तर हो जाएगा साथियों, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में चर्चित बुर्जिला दर्रा भारत के किस राज्य में है? हाल में चर्चित बुर्जिला भारत के किस राज्य में है? उत्तर हो जाएगा साथियों, जम्मू कश्मीर। ठीक है, बुर्जिला दर्रा हाल में काफ़ी चर्चा का केंद्र रहा, इस वजह से ये क्वेश्चन आप सभी के बीच लाया गया है। और बुर्जिला दर्रा वृहद हिमालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किस तिथि को संपन्न की गई? अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन किस तिथि को संपन्न की गई? उत्तर हो जाएगा साथियों, 5 अगस्त 2020। अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन का आधारशिला किसने रखी? उत्तर हो जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आरंभ हुआ, भूमि पूजन के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य शुभारम्भ हो चुका है, यानी 5 अगस्त 2020। इस तिथि को आप अवश्य ही याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन के पूर्व कहां पर दर्शन कर पूजा किया गया? तो उत्तर हो जाएगा साथियों, हनुमान गढ़ी में। राम मंदिर भूमि पूजन के अवसर पर राम मंदिर के मॉडल पर स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने श्री मोदी जी को भेंट स्वरूप क्या दिए? तो उत्तर हो जाएगा साथियों, लकड़ी के बने कोडांड राम की प्रतिमा। ठीक, तो ये जो आज के जो क्वेश्चन है राम मंदिर पे, इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाई हूँ, जिसमें भी तमाम प्रकार के प्रश्नों को शामिल किया गया है, जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अवश्य ही उस वीडियो को आप देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हाल में मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपति बनाए गए। हाल में मोहम्मद इरफान अली राष्ट्रपति बनाए गए। तो मोहम्मद इरफान अली को राष्ट्रपति गुयाना देश का बनाया गया है, और गुयाना देश की राजधानी जॉर्ज टाउन है। ठीक है, यहाँ पर आपको दक्षिण अमेरिका के मैप को मैं लाई हूँ, ताकि आप मैप को क्लियर कर ले। ठीक है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बनता। आप यहाँ देख रहे हैं गुयाना, ये रहा। ठीक है, गुयाना ये रहा। ठीक है, इसकी सीमा किससे किससे लग रही है? वेनेजुएला से, दूसरा सूरीनाम से, और तीसरा ब्राज़ील से। ठीक है, तो यहाँ आपको क्लियर होनी ही चाहिए। और देखिए, यहाँ पर आपका सूरीनाम रहा, ये फ्रेंच गुयाना रहा, ये वेनेजुएला रहा, ये कोलंबिया रहा,
सारे देश को यहाँ पे मैं मैप बनाकर आप सभी को प्रयास की हूँ दिखाने के लिए, ताकि आप इस महाद्वीप को क्लियर कर लें। ठीक है, यहाँ पे देखते चलिए पूरा और एकदम कंठस्थ कर लीजिए अपने दिमाग पे, इस मैप का खाका आपके दिमाग पे बन जानी चाहिए, ताकि क्वेश्चन किसी भी तरह से इस महाद्वीप के मैप से रिलेटेड पूछे तो आप गलत ना करें। प्रायः इस महाद्वीप से क्वेश्चन बनते हैं साथियों। ठीक है, तो ये रहा ब्राज़ील, ये रहा आपका इक्वेडोर, यहाँ से शुरू करिए फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील। ठीक है, अब नीचे यहाँ देखिए पराग्वे, बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना और ये उरुग्वे। ध्यान रखिएगा यहाँ उरुग्वे है, यहाँ पराग्वे है, दो देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के स्थल रुद्ध देश है, अर्थात लैंडलॉक कंट्री के रूप में है, अर्थात इनकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा फैक्ट आपको बताऊं कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी पाई जाती है। यहाँ देखिए, यहाँ पे मैं लिखी हुई हूँ, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज वो यहीं पाई जाती है, जबकि सबसे ऊँची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट हुआ। दूसरा, लैटिन अमेरिका में कौन कौन से देश आते हैं। ठीक है, लैटिन अमेरिका में किस किस भाग को मिलाकर हम संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह को हम संयुक्त रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं। उल्लेखनीय है कि मध्य अमेरिका तथा पश्चिमी द्वीप समूह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा नहीं है, समझ रहे हैं ना। फिर से एक बार देखिए, ये रहा आपका दक्षिण अमेरिका, ठीक रहा, और ये रहा आपका मध्य अमेरिका, और ये रहा आपका पश्चिम द्वीप, जो छोटे छोटे द्वीप हैं जिसको वेस्ट इंडीज भी कहा जाता है। तो मध्य अमेरिका के ये देश और प्लस ये वेस्ट इंडीज, ये दोनों उत्तर अमेरिका महाद्वीप के हिस्सा हैं। लेकिन जब लैटिन अमेरिका शब्द का आता है कि इस लैटिन अमेरिका में कौन कौन से भाग आते हैं, तो आपका ये मध्य अमेरिका आएगा और ये वेस्ट इंडीज का हिस्सा आएगा, जो छोटे छोटे द्वीपीय देशों को मिलाकर संयुक्त रूप से इसको या तो पश्चिम द्वीप समूह कहेंगे या तो वेस्ट इंडीज कहेंगे, और ये आपका दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं। ठीक है, तो आज आप जानें कि गुयाना के राष्ट्रपति कौन बनाए गए, मोहम्मद इरफान अली। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। IPL 2020 का आयोजन होगा, IPL 2020 का आयोजन होगा UAE में। ठीक है, और UAE की राजधानी कहाँ है, तो अबू धाबी ने। पिछले वीडियो में UAE क्यों चर्चित रहा, इसके संबंध में मैं आपको कुछ बताई थी ऊर्जा से रिलेटेड, अवश्य कमेंट बॉक्स में आप इसकी पुष्टि करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया, हाल में सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, तो विमोचन किया गया बिहार के मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी द्वारा। ठीक है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है ये भी जानना जरूरी है, सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है, तो लेखक है विजय कुमार चौधरी। ठीक है, तो ये दो तथ्य इससे ज़रूर याद करिएगा, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पुस्तक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन विमोचन किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने दो भाषा के फॉर्मूले को लागू करने का फैसला किया है, तो उत्तर हो जाएगा साथियों तमिलनाडु। किस राज्य सरकार ने दो भाषा के फॉर्मूले को लागू करने का फैसला किया है, तो तमिलनाडु ने। हाल ही में त्रिभाषा फार्मूले को इसने अस्वीकार करके दो भाषा को ही पुनः अपने जो पहला जो इनका था कि नहीं मैं दो ही भाषा फार्मूले को स्वीकार करूंगा, उसी पर अड़ी होते हुए दो भाषा को ही ये फार्मूले को स्वीकार किए तमिलनाडु। ठीक है, और बता दूं कि हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का निर्णय तमिलनाडु द्वारा लिया गया है। मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का हो गया है और गुजरात को ये पीछे छोड़ के। ठीक है, तो ये तथ्य भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप में हटने का फैसला किस देश ने किया, तो उत्तर हो जाएगा साथियों भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड 19
प्रभाव और उसके कवरेज के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रेम भाटिया पुरस्कार इस बार का, क्योंकि COVID-19 के प्रभाव और उसके कवरेज के उपलक्ष्य में प्रदान किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा साथियों, किन्हें सम्मानित किया गया है, तो ये है दीपांकर घोष। ठीक है, तो जरूर ध्यान में इन्हें रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत ने 15,000 सैनिकों सहित T-90 टैंक ब्रिगेड को LAC पर किस जगह घुसे चीनी सैनिकों के सामने तैनात कर दिया, ठीक है, या तैनात किया गया। तो उत्तर हो जाएगा डेपसांग प्लेस, और ये लद्दाख में है। ठीक है, भारत ने 15,000 सैनिकों सहित T-19 टैंक ब्रिगेड को LAC पर किस जगह घुसे चीनी सैनिकों के सामने तैनात किया। उत्तर हो जाएगा डेपसांग प्लेस, और ये कहाँ है, लद्दाख में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी SpaceX का क्रू ड्रैगन कैप्सूल है एंडेवर, ठीक है, धरती पर समुद्र में उतारा गया, इस तरह की लैंडिंग को अंतरिक्ष विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो हो जाएगा स्प्लैश डाउन, इसको कहते हैं इस चीज़ को स्प्लैश डाउन। ठीक है, और ये एंडेवर मैक्सिको की खाड़ी में उतरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में हीम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है, उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, हाल में जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनिएगा, हाल में स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन नामक पुस्तक का हिंदी संस्करण जारी हुआ है, इस पुस्तक का संपादन किसने किया। हाल में स्वच्छ भारत रेवोल्यूशन नामक पुस्तक का हिंदी संस्करण जारी हुआ, इस पुस्तक का संपादन किसने किया। उत्तर हो जाएगा परमेश्वर अय्यर। ठीक है, इसके बारे में जान लीजिए, इस पुस्तक के बारे में, यह पुस्तक आधिकारिक रूप से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत तथा केंद्रीय कपड़ा महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा लॉन्च की गई। इस पुस्तक में स्वच्छ भारत मिशन की सफलता के 4 प्रमुख स्तंभों, जन भागीदारी, साझेदारी, राजनीतिक नेतृत्व और सार्वजनिक वित्त पोषण की चर्चा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान ने एक नया मानचित्र अपने देश का जारी किया जिसमें भारत के किस क्षेत्र को दर्शाया गया है। ठीक है, पाकिस्तान द्वारा अभी हाल में अपने देश का नया मानचित्र बनाया, जिसमें भारत के क्षेत्र को अपने मैप में शामिल किया गया है। ठीक, तो क्वेश्चन बन सकता है कि किन किन क्षेत्र को शामिल किया गया है। तो उत्तर हो जाएगा साथियों कि जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और सरक्रिक। ठीक है, जूनागढ़ और सरक्रिक गुजरात में है, जबकि जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इसके हिस्से को ये अपने क्षेत्र में, पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में दर्शाया है। ठीक है, मैं आप सभी के बीच जम्मू कश्मीर लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लिए स्पेशल वीडियो बनाई हुई हूँ, जिससे परीक्षा के संबंध में जितने तमाम प्रकार के क्वेश्चन हाल में बनने वाले हैं, वहाँ के कौन उपराज्यपाल हैं आदि, किसकी सीमा कहाँ लगती है, टोटल उसमें क्वेश्चन परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए। अवश्य प्लेलिस्ट में जाइए और आप परीक्षा दृष्टि वाले प्लेलिस्ट में, अर्थात GK परीक्षा दृष्टि वाले प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें तत्काल ही इस वीडियो को जरूर देखिएगा, ताकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आपका गलत ना हो। ठीक है, और साथ में विशेष राज्य वर्तमान में कितने दर्जा प्राप्त किए हैं, इससे संबंधित वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे मैं कुछ महत्वपूर्ण अन्य फैक्ट आप सभी के बीच चर्चा कर रही हूँ। जूनागढ़ गुजरात के तटीय भाग में स्थित है, इसने 1947 में भारत में शामिल होने का निर्णय किया और 1948 में औपचारिक रूप से जूनागढ़ को भारत में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो आज का ये इतने क्वेश्चन रहे, और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तमाम रहे जिसमें आप अयोध्या से संबंधित राम मंदिर का जो वीडियो मैं बनाई हूँ स्पेशल, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर रिलेटेड जो मैं वीडियो बनाई हूँ उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा भी एक नया मानचित्र को बनाया गया है जम्मू कश्मीर और
लद्दाख केंद्र शासित बनने के उपरांत। और आप सभी को बताना है कि जम्मू कश्मीर का जब विशेष राज्य का दर्जा समाप्त किया गया तो भारत में राज्यों की संख्या जो 29 थी वह घट के कितनी हो गई थी, 28 हो गई थी। और केंद्र शासित पहले कितना था, 7 था, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जिसके कारण 7 से बढ़कर 9 हो गया, ठीक है। और उससे संबंधित जो केंद्र शासित प्रदेश में कौन उपराज्यपाल है, प्रशासक है, इसके संबंध में भी मैं आप सभी के बीच स्पेशल वीडियो बनाई हुई हूँ परीक्षा दृष्टि वाले में, आप ज़रूर उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। साथियों, आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा करंट अफेयर्स से ज़रूरी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी आशा के साथ कि आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।